अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओके, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 मॉडर्न फेज पढ़ा, और मॉडर्न फेज में हम लोगों ने नए फॉर्मुलाज डेवलप किए थे, नई थ्योरीज डेवलप की थी, एक नई तरह की फिजिक्स हम लोगों ने देखी थी जो क्लासिकल फिजिक्स से हटकर थी। डिफरेंट आइडियाज थे, न्यू आइडियाज थे जिनको हम लोगों ने स्टडी किया था। ये जो चैप्टर है इस सीक्वेंस पे, यानी कि 17 के बाद जो 18 चैप्टर द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये बहुत ऑब्वियस सीक्वेंस है, ये बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस है। ये बेसिकली करेंगे क्या हम लोग, इसके अंदर जो थ्योरीज, जो आइडियाज, जो फॉर्मूलाज हमने डेवलप किए थे चैप्टर नंबर 17 के अंदर, उनको हम लोग इस चैप्टर में अप्लाई करने वाले। यानी ये बात तो बनती है ना कि एक नई फेस आपने सीख ली, पर उससे फायदा क्या हुआ, उससे हम लोगों ने अखज क्या किया, उससे हम लोगों को एडवांटेज क्या हुआ, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और हम लोग देखेंगे किस तरीके से उस नई फिजिक्स ने हम लोग को ये थॉट दी कि हम ये पढ़ सके कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें बहुत सारे साइंटिफिक रेवोल्यूशन हम लोगों को पता चलेंगे, साइंटिफिक एफर्ट्स लोगों की पता चलेंगे, किस तरह से लोगों ने काम किया और कितने सालों की मेहनत थी जिसकी बेस पे आज हमारे पास एटम की एक पिक्चर नजर आती है हम लोगों को। ऑल्दो हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा हायर लेवल तक स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन एक जनरल आइडिया, एक जनरल जो हम लोग स्पेसिफिकेशन यहां से एटम की मिलेगी। ओके, द वर्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक से समझ में आ रहा है एटम की बात हो रही होगी, अगर ये न्यूक्लियर स्पेक्ट्रा हो तो न्यूक्लियर से कोई बात हो रही होती। अब ये स्पेक्ट्रा क्या चीज है, ये स्पेक्ट्रम क्या है, बेसिकली याद रहे स्पेक्ट्रम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। हम लोग डिफाइन करते हैं द डिस्टिंक्टिव पैटर्न एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट एंड रिकॉर्डेड ऑन अ डिटेक्टर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। सर क्या मतलब को समझ में नहीं आया, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके, ये हम बचपन से देखते हुए हैं कि प्रिज्म को जब व्हाइट लाइट के सामने, यानी सन लाइट के सामने रखो, व्हाइट लाइट से क्या मतलब भी डिस्कस करते हैं, सन लाइट के सामने अगर हम रखें, जिसको हम व्हाइट लाइट भी कहते हैं, तो वहां पर वो डिस्पर्स हो जाता है डिफरेंट कलर्स के अंदर, वहां पे एक पैटर्न बनता है, विब योर पैटर्न, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड वगैरह, ये एक पैटर्न बनना शुरू होता है। ये जो पैटर्न हमारे पास बनता है कलर्स का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये स्पेक्ट्रम कहता है। और इससे हम लोगों को बेसिकली आइडिया क्या होता है वो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले, लेकिन बेसिकली वो जो कलर्स का एक पैटर्न बन रहा है, जो बेसिकली हम लोग को ये बात पता है कि वो जो सन की लाइट थी उसमें से कहीं से निकले हैं ये कलर्स, वो जो सनलाइट आ रही है उसको यहां पर हमें विजिबल करके दिखाया गया कि उसके अंदर क्या क्या कलर्स हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मिल रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ कलर्स मिल रही होती है। हमेशा कलर्स नहीं होते, और भी डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं, सही है, यानी और भी रेडिएशन होंगी, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ कलर्स के लिहाज से बात करते थे कि वो जो कलर्स हम लोग को मिल रहे होते हैं वो कलर्स का पैटर्न जो है वो क्या कहलाते हैं, स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। और फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा किसमें डील कर रहा होता है, तो बच्चों याद रहे एटॉमिक स्पेक्ट्रा इसमें डील कर रहा होता है कि हमारे पास डिफरेंट एटम्स से जो लाइट इमिट हो रही होती है या एब्जॉर्ब हो रही होती है, उसमें से कौन कौन सी लाइट निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उसका वेवलेंथ कितना है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसकी स्टडी को हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। आइए लिखते हैं उसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि भाई इससे मतलब क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ। ओके, यहां क्या लिखा है, द एटॉमिक स्पेक्ट्रा डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट एटम्स। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो कहानी सिंपल ये है कि जिस तरह से हम इंसानों का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है, यानी कि मेरा फिंगरप्रिंट आपके फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करेगा, इसी तरह से एटम्स की भी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, एटम्स की भी अपनी एक कहने आइडेंटिफिकेशन इस तरह से होती है कि जिसपे उनको पहचाना जा सके, जिसपे उनको जाना जा सके। हर एटम डिफरेंट तरह की वेवलेंथ यानी कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा होता है, जिनके स्पेसिफिक वेवलेंथ होते हैं या स्पेसिफिक इंटेंसिटीज होती है, वो एमिट कर रहा होता है, उसकी बेस पे उसको पहचाना जाता है कि ये कौन सा एटम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सोर्स दे दूं, यानी मैं आपको एक लेट से कोई गैस दे दूं और आपसे कहूं कि भाई बताइए कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल, तो इसके तरीका क्या होगा कि हम उसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे अभी आगे देखेंगे, स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेंगे। स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है, उससे हम लोग देखेंगे कौन कौन से कलर्स निकल रहे हैं, सही है, हम ये देखेंगे कौन कौन से कलर्स निकल रहे हैं। अगर तो वो हाइड्रोजन गैस होगी तो उससे अलग कलर्स निकलेंगे, अगर वो हीलियम गैस होगी तो उससे अलग कलर्स निकलेंगे, अगर वो लेट से नियॉन गैस होगी, अगर वो सोडियम होगा तो अलग अलग तरह के उसमें से कलर्स निकल रहे होंगे, जो ये बताएंगे, जो हम लोग को इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई ये कलर स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के हैं,
ये कलर्स स्पेसिफिकली हीलियम के हैं, जिस तरह से हमारा और आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो सकता, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर जो वेवलेंथ एक पर्टिकुलर गैस से एमिट हो रहे हैं, लाइक अगर हाइड्रोजन गैस से एमिट हो रहे हैं तो वो हीलियम से कभी भी नहीं होंगे। अच्छा, ये काम सारा कैसे करते हैं वो आगे जाके हम देखने वाले, बट आई होप यहां तक बात समझ में आती होगी कि इतनी बात समझ में आ रही है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है, जो कलर्स की एक इंफॉर्मेशन होती है, वो हमें इंडिविजुअल एटम्स के बारे में बता रही होती है कि कौन सा एटम है। आइए चल के देखते भाई ये काम होता किस तरह से है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते भी इसकी मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है, किस तरीके से ये वर्क करेगा। सपोज करें मेरे पास एक सोर्स है जिसके अंदर वाइट लाइट है। व्हाइट लाइट आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं जो सन के कलर्स आ रहे हैं, सन की जो लाइट आ रही है उसको आप व्हाइट लाइट जो है कह सकते हैं। इस व्हाइट लाइट को अगर मैं एक प्रिज्म के सामने या फिर एक डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग के सामने रखूं, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर, जो आपने नेचर ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर डिफ्रेक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसी की बात हो रही है। और अगर डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग याद नहीं भी आती तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप प्रिज्म को याद रखें, सही है ना, दोनों सेम काम करके दे रहे हैं। तो हमें यह बात पता है कि वहां पर हमारे पास किसी स्क्रीन पे, यानी कि किसी डिटेक्टर पे, डिटेक्टर कोई भी स्क्रीन हो सकती है जहां पे आप उसका इमेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, बैंड्स ऑफ कलर्स। और वहां पर वो कलर्स कौन से होते हैं वो हम लोगों को पता है, इस तरह से एक पैटर्न बनता है, यानी वो स्टार्ट हो रहा होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, एक सीक्वेंस बन रही होती है। यहां से अब ये क्या किया, मैंने स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया, सही है ना, यानी ये सारी जो मैंने वर्किंग करी है ये बेसिकली मैंने क्या करा, एक स्पेक्ट्रम निकाला है। किसका स्पेक्ट्रम निकाला है, मैंने व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम निकाला है। और ये स्पेक्ट्रम मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये स्पेक्ट्रम मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि व्हाइट लाइट के अंदर, वो जो व्हाइट कलर की लाइट आ रही होती है बेसिकली, उसके अंदर सारे के सारे कलर्स होते हैं, उसके अंदर सारी की सारी रेडिएशंस होती हैं। ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है इस सोर्स के मुताबिक। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि मुझे सोर्स की बेसिकली इंफॉर्मेशन मिली है कि व्हाइट सोर्स के अंदर ये सारे कलर्स होते हैं। इस तरह के पैटर्न को, आई होप ये आपने कभी जिंदगी में कहीं देखा होगा, बचपन वगैरह में कभी प्रिज्म के साथ मैट्रिक क्लास में भी इस तरह से आपने करके देखा होगा। तो ये जो पैटर्न मुझे मिल रहा होता है ये मेरे पास कहलाता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसको कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, अगर आपकी इमेज देखे तो ये जो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बन रहा है, बेसिकली यहां पर हमारे पास वॉयलेट और इंडिगो के दरमियान कोई शार्प लाइन नहीं है, इंडिगो और ब्लू के दरमियान कोई शार्प लाइन नहीं है जो फर्क कर सके कि भाई यहां पर वॉयलेट खत्म हो रहा है, यहां पर ब्लू खत्म हो रहा है, यहां पर येलो खत्म हो रहा है, कोई ऐसी लाइन नहीं है, वो मिक्स हुए हैं कलर। और इस तरह से जो कलर्स मुझे मिलते हैं ये स्पेक्ट्रम कैसा कहलाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है कि ये चलता जा रहा है, सही है ना। इसमें ऐसा नहीं है, कोई डिविजन नहीं है कि भाई यहां तक ग्रीन है उसके बाद ये फिर येलो स्टार्ट हो रहे हैं, नहीं, आप देख ग्रीन और येलो मिक्स हुए हैं, मतलब बिल्कुल उनका स्टार्टिंग और एंड मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या हमारे पास ऐसा स्पेक्ट्रम भी हो सकता है जो कंटीन्यूअस ना हो, यानी कि डिस्क्रीट हो? जी बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। यहां पर अगर मेरे पास लेट से कोई मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस फॉर एग्जांपल हीलियम की बात कर ली, सही है, या नियॉन की बात कर ली, या वैसे डायटॉमिक भी हो सकती है, बट मैं स्पेसिफिकली मोनोएटॉमिक के लिए समझाना चाह रहा हूं क्योंकि वो सिंपल है, आसान है। ओके, मोनोटॉमिक गैस के सामने अगेन मैंने प्रिज्म या कोई डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग रखा और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज हम लोगों को पता होनी चाहिए कि जो मोनोटॉमिक गैस है, एक तो ये बहुत ही लो प्रेशर पे रखी हुई है, यानी जिस जगह आपने गैस को बंद किया होगा उसको लो प्रेशर, लो प्रेशर का मतलब क्या होता है कि उसकी बेसिकली क्वांटिटी अगर कम कर ले, अगर सपोज के गैस बहुत ज्यादा उसके अंदर भर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। अगर आप गैस कम कर देंगे तो गैस कम करने से उसका प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। और वहां पर आपने गैस को क्या दिया, लो प्रेशर पे गैस है, यानी कि लो प्रेशर के ऊपर पार्टिकल्स, बहुत थोड़े पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, आपने उसको दिया हाई वोल्टेज। जब इस तरह से मेरे पास गैस रखी हुई है कि वो उसको मैंने लो प्रेशर कर दिया, यानी कि प्रेशर बहुत कम कर दिया, यानी कि बहुत थोड़े पार्टिकल्स हैं उसकी गैस ट्यूब के अंदर,
और उसको मैंने हाई वोल्टेज दिया तो होता क्या है कि वो गैस ग्लो करती है। और उसके बाद जब उसके सामने मैं प्रिज्म रखूंगा तो मेरे पास जो पैटर्न यहां पर मिल रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, वो स्क्रीन के ऊपर मुझे कुछ लाइंस मिल रही होंगी। और वो लाइंस किसकी होंगी, वो कुछ कलर लाइंस होंगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर हीलियम गैस रखता हूं तो वहां पे जो लाइनें मिल रही हूं कुछ स्पेसिफिक कलर्स मुझे मिल रहे होंगे, यानी कि लाइंस नजर आ रही होंगी। कुछ इस तरह का पैटर्न होता है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर कुछ इंडिविजुअल कलर्स आ रहे होते हैं। हालांकि ये वाला पैटर्न कैसा था, ये मिक्स हुआ हुआ था, लेकिन ये कैसा डिस्क्रीट है, टूटा हुआ है, टुकड़ों में है, लाइंस की फॉर्म में। ये जो पैटर्न मुझे मिल रहा होता है, याद रहे बच्चों, ये मेरे पास कहलाता है लाइन। और याद रहे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है ये मुझे सिर्फ इतनी बात बता रहा है कि सोर्स के अंदर व्हाइट लाइट है, क्योंकि यहां पे सारे कलर्स मिल रहे हैं ना, तो मैंने कह दिया यहां पे सोर्स के अंदर व्हाइट लाइट होगी तभी मुझे सारे के सारे कलर्स मिल रहे हैं। सही है। हाँ, वो सोर्स जिस मटेरियल के अंदर है, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी चीज को मैंने ग्लो किया है, किसी चीज को मैंने जलाया है, उस मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, सिर्फ ये बता रहा है सोर्स जो लाइट दे रहा है, वो जो लाइट मुझे मिल रही है वो लाइट कैसी है, व्हाइट लाइट है तभी सारे कलर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर इसके अंदर देखा जाए वो जो स्पेसिफिक लाइंस आ रही हैं, अगर हम लोग हीलियम का पैटर्न रिकॉर्ड करते हैं तो वो अलग स्पेसिफिक कलर्स देता है। अगर आप नियॉन का पैटर्न रिकॉर्ड करते तो वो अलग स्पेसिफिक कलर्स देता है। अगर आप लेट्स से कोई डायटॉमिक गैस हाइड्रोजन की बात कर लें तो वो अलग स्पेसिफिक कलर्स देता है। और इस तरह से इसके पैटर्न को मैं पढ़ के, किसी भी गैस के पैटर्न को पढ़ के बता सकता हूं कि इसके अंदर कौन सी गैस रखी हुई है। सर इसका फायदा क्या हुआ, हमें तो पहले से पता था कौन सी गैस रखी है। सर सपोज करें आपने कोई मटेरियल डिस्कवर किया लेट से, और आप अपनी जो है फिजिक्स की लैब के अंदर लेकर के आओ टेस्ट करते हैं कि इसको इसमें क्या क्या है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल है, कौन कौन सी चीजें इसमें कॉन्स्टिट्यूंट है, तो आप क्या करेंगे, उसका यही स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेंगे, सेम कहानी करेंगे, उसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेंगे। और स्पेक्ट्रम जब लाइन्स आएंगी उन लाइन्स को इसके डेटा से मैच करेंगे, मैच हो गया हीलियम है उसके अंदर, मैच नहीं हो रहा उसके अंदर हीलियम नहीं है, आप इस वाले पैटर्न से चेक करेंगे, आप इस वाले पैटर्न से चेक करेंगे, आप उसकी लाइंस को स्टडी करेंगे, यानी उन लाइंस का क्या निकालेंगे, बेसिकली जो मैंने यहां पर लिखा उन लाइंस का वेवलेंथ और उनकी इंटेंसिटीज को स्टडी करेंगे और चेक करेंगे भाई ये किससे मैच कर रही है। हमारे पास ऑलरेडी डेटा होता है कि यहां पर जो सोडियम है वो ये वाली लाइंस इमिट करता है, जो हीलियम है वो ये वाली लाइंस इमिट करता है, जो हाइड्रोजन है वो ये वाली लाइंस इमिट करता है। तो हम लोग अपने रिकॉर्डेड डेटा को अपने ऑलरेडी गिवन डेटा से मैच करेंगे, और मैच करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ये मटेरियल है, इसके अंदर ये चीजें हैं। ओके स्टूडेंट्स, में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सपोज करें आपको पता है कि इसके अंदर हीलियम गैस रखी हुई है, सही है ना, आपकी जो ट्यूब है उसके अंदर लो प्रेशर पे हीलियम गैस रखी हुई है, आपने वोल्टेज दिया और लेट से आपने बहुत हाई एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ज्यादा चीजों को आपने ख्याल रखते हुए आपने स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया और उसको हीलियम के स्पेक्ट्रम से मिलाया, यानी कि हीलियम के कलर्स जो हैं वो आपने जो आपको जो कलर्स मिले उससे आपने मैच किया, और आपने देखा कुछ कलर्स तो मैच कर रहे हैं, कुछ कलर्स नए आ रहे हैं। अब ये नए कैसे आ रहे हैं बेसिकली, तो ये बात कह सकते हैं हम लोग यहां पर कि बहुत मुमकिन है इसका मतलब है कि आपने हीलियम के नए कलर्स डिस्कवर कर लिए, हीलियम का नया स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अब इसके एक सवाल ये उठता है कि भाई ये लाइनें आ कैसे रही हैं, लाइनें बन कैसे रही हैं, कलर्स आ कैसे रहे, वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले जब हम लोग स्पेसिफिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां ये सारी बातें आएंगी। लेकिन अभी यहां पर याद रहे कि बेसिकली बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्या मिल रही है कि वो जो हम लोगों को लाइंस मिल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर दिखाया था कि ये मेरे पास जो लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, लाइक ये मेरे पास हीलियम का स्पेक्ट्रम आ रहा है, नियॉन का स्पेक्ट्रम आ रहा है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आ रहा है, तो ये जो लाइंस बेसिकली मिल रही है लाइंस आइडेंटिफिकेशन है उस पर्टिकुलर एटम की। आप देख सकते हैं कि हीलियम की जो लाइंस है वो हाइड्रोजन से मैच नहीं कर रही, हाइड्रोजन की लाइंस जो है वो नियॉन से मैच नहीं कर रही, सोडियम से मैच नहीं कर रही, हर एटम का अलग अलग स्पेक्ट्रम होते और इसी बेस पे इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आसान अल्फाज में फिंगरप्रिंट कहते हैं। तो ये इनका एटम से क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम है कंफ्यूजन हो फील फ्री टू राइट अस, इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे, और अपना ख्याल रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई ये स्पेक्ट्रम बनता क्यों है, ये लाइंस आती क्यों है, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। थैंक यू।